हेलो दोस्तों, सीके सीके मैं सूर्य, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में जैसा हमने आपसे बात की थी ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, जब हम कोई भी कुछ भी हेल्पलाइन नंबर कहीं पे भी गूगल वगैरह पे सर्च कर लेते हैं तो हमारे साथ बहुत तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो कल हमने जैसे आपको बताया था कि कुछ 10 ऐसे टिप्स आपके लिए लेकर आने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके साथ ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन या तो फिर किसी भी तरह का बैंकिंग फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड नहीं होगा। तो कौन से हैं ये 10 टिप्स, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ये टिप्स शेयर करना है। वीडियो शेयर कीजिए या तो टिप्स शेयर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए और उनको भी अवेयर कीजिए जिनके वजह से उनको बैंकिंग फ्रॉड से बचाया जा सके। तो कौन से हैं ये टिप्स, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 1 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी कस्टमर केयर नंबर कहीं से भी नहीं लेना है। जैसे कि कस्टमर केयर नंबर के लिए हम डायरेक्टली गूगल पे या कहीं भी हम सर्च कर लेते हैं कि इस वेबसाइट का हेल्पलाइन नंबर क्या है, इस ऐप का हेल्पलाइन नंबर क्या है, इवन आप सर्च कर ले तो इस बैंक का कस्टमर केयर नंबर क्या है। तो आपको इस तरह का कोई भी कस्टमर केयर नंबर गूगल पे या कहीं भी सर्च नहीं करना है। तो आप कहेंगे कस्टमर केयर नंबर ले से कहां से, तो कस्टमर केयर नंबर के लिए आपको जिस वेबसाइट, जिस ऐप के लिए कस्टमर केयर नंबर चाहिए उसी के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां से आपको प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर केयर नंबर, हेल्पलाइन नंबर वहां से लीजिए। खासकर बैंकिंग के लिए, बैंकों के लिए जो भी कस्टमर केयर नंबर होता है वो आप कहीं से भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़िएगा, कहीं से भी सर्च ना कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाकर सर्च कीजिए, वहां पे जो कस्टमर केयर नंबर मिलता है आपको वहीं से कस्टमर केयर नंबर लेना है। और इस तरह से आप बहुत आसानी से कस्टमर केयर नंबर के थ्रू जो फ्रॉड किए जाते हैं इनके थ्रू बच सकते हैं। दोस्तों, टिप्स नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको ध्यान देना है आपका पासवर्ड। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड लेना होता है, रखना होता है, आपको ध्यान देना होता है उसके बारे में। तो यूजर नेम और पासवर्ड सबसे पहली बात तो इसे आपको स्ट्रांग बनाना होगा। स्ट्रांग कैसे, @*, ये सब यूज करना होगा। यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा, जो भी आपको ध्यान रखना और एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी पासवर्ड आप यूज कर लिए, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे Neha 1, 2, 3 जो भी आपका पासवर्ड होता है, इस तरह किसी भी तरह का कोई भी पासवर्ड आपको यूज नहीं करना। और ध्यान दे, आपको जो सोशल मीडिया पर जो पासवर्ड होते हैं उन पासवर्ड्स को खासकर बैंकिंग के लिए कभी भी पासवर्ड के तौर पे यूज ना करें। जैसा कि आप जानते होंगे यार, फेसबुक का ही ले लीजिए तो कितनी बार डेटा बीच होता है, यहाँ पर कितना डेटा इसका रिलीज किया जाता है, हैक किया जाता है। तो अगर आप सेम पासवर्ड रखते हो, यूजर नेम पासवर्ड रखते हो जो आपने सोशल मीडिया पे यूज किया है, वही पासवर्ड आप बैंकिंग के लिए यूज कर लेते हो तो ये आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रांग पासवर्ड रखना है और कोई भी एक यूनिक अलग सा पासवर्ड रखना है अपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए। दोस्तों, टिप नंबर 3 की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं यूपीआई का फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूपीआई, जैसे कि हमारे पता होगा कि यूपीआई क्या है, अगर आप जानते नहीं हो ठीक से तो इसे यूज करते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको हैं जो यूपीआई बेस्ड है। अगर आप यहां से पेमेंट करते हो तो आपकी यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। जाके आपको कहता है कोई क्या है कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं, पैसे रिसीव करने के लिए आपको क्या होगा कि वहां पे आप एक्सेप्ट या तो फिर पे पर क्लिक कीजिए और अपना यूपीआई पिन डालिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी अब आप यूपीआई पेमेंट करते हो किसी को तो ही आपको यूपीआई का पिन डालने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई पैसे भेज रहा है तो आप उनको बस यूपीआई अपना आईडी दे दीजिए तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे। अगर वो भेजते हैं आपको, यहाँ पे रिसीव करने के लिए, पैसे किसी से लेने के लिए कभी भी यूपीआई पिन डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये चीज आप ध्यान रखिएगा और यूपीआई को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद यूपीआई को यूज कीजिए तो यूपीआई से होने वाले फ्रॉड से आप बच जाएंगे। दोस्तों, चौथे टिप्स की बात करते हैं तो चौथे टिप्स में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई भी जो डिवाइस यूज करते हो इंटरनेट बैंकिंग के लिए, वो डिवाइस बिल्कुल सेफ होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फाइल्स वगैरह डाउनलोड किए जाते हैं और उस कंप्यूटर के अंदर हम इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन करते हैं तो हमारा हो सकता है पासवर्ड, यूजर नेम, आईडी वगैरह सब हैक हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी डिवाइस पे आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे हो वो डिवाइस सेफ होना चाहिए, उस डिवाइस में ज्यादातर वायरस वगैरह ना होना चाहिए। आप ज्यादातर एंड्रॉइड को यूज कीजिए, iOS को यूज कीजिए तो ये आपके लिए सेफ होगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को उस पर लॉग इन कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपका डिवाइस सेफ होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने के लिए। दोस्तों, पांचवे टिप्स की बात करते हैं तो पांचवे टिप्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि CVV, ATM पिन, UPI पिन, ये सब चीजें कभी भी हमें किसी के साथ भी शेयर करना नहीं है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो। आपको CVV, UPI पिन, ATM पिन, पासवर्ड, ये सब किसी के साथ भी शेयर करना नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। तो 6 नंबर का टिप्स ये है कि कभी भी आप कोशिश करें कि जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज किया जा रहा है उसे सेपरेट रखें। क्या होता है कि हमारे पास जो मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, सब जगह हम उसे ही यूज करते हैं, तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी
भी अगर हम जैसे कि सोशल मीडिया कहीं पे भी हमने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यूज किया है तो वहां से हैकर वगैरह बहुत आसानी से कोई भी हमारा पासवर्ड या पासवर्ड नहीं बट हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है। लेकिन अगर हम जो भी इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज करते हैं ईमेल आईडी या तो फिर मोबाइल नंबर अगर वो सेपरेट रखे किसी को पता ही नहीं होगा तो जो हैकिंग वगैरह के चांसेस होते हैं हमारे पास जो ओटीपी वगैरह आएंगे मोबाइल नंबर अगर उनके पास होगा ही नहीं तो ओटीपी वगैरह उसके लिए तो वहां पे आएंगे नहीं। तो जितना ज्यादा कोशिश करिए कि आपका जो एक पर्सनल नंबर रखिए जो बैंकिंग के लिए यूज किया जाए और ये कम से कम लोगों को तक पहुंचाइए तो ये आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग पे सेफ रहने का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। टिप नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है जैसे ऑनलाइन परचेस वगैरह हम बहुत सारी चीजें खरीदते रहते हैं तो आपको कभी भी 7वें नंबर टिप्स में ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऑनलाइन जो पेमेंट करते हो आप कहीं पे भी तो अगर आपको लगता है कि ये वेबसाइट सेफ नहीं है ये कोई मतलब पॉपुलर वेबसाइट नहीं है कहीं पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना क्योंकि वो डेटा आपको स्टोर कर सकते हैं वहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ऑनलाइन जो भी आप पेमेंट करते हो जैसे कोई नया वेबसाइट है कोई भी कहीं भी आपको कोई डील दिख रहा है तो वहां पे जाकर आप पेमेंट ना कर दीजिएगा। कभी भी कोई भी अननोन वेबसाइट पे जाकर पेमेंट ना कीजिए। हाँ कैश ऑन डिलीवरी का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो कैश ऑन डिलीवरी आप ऑर्डर कर लीजिए घर पे आके पैसे दे दीजिए और साथ ही साथ आपको अगर कोई लिंक भेजा जाता है कि आप इस लिंक के थ्रू पेमेंट करिए तो देख लीजिए किसने आपको लिंक भेजा है कहाँ से आया लिंक वो सब आप जांच कर लीजिए उसके बाद ही वहां से पेमेंट कीजिए। नहीं तो किसी भी लिंक पर क्लिक अनजाने में मत कीजिएगा। कोई भी लिंक हो चाहे किसी भी तरह का लिंक भेजा गया होगा आपको कि अगर आप नहीं जानते उसके बारे में व्हाट्सएप पे कहीं पे भी भेजा जाता है तो आप उस लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वें नंबर टिप की बात करते हैं तो 8वें नंबर के लिए आप तो अवेयर होंगे ही जैसे कि आपका कोई भी एटीएम पिन हो गया या तो फिर सीवीवी हो गया कहीं पे भी कोई भी आप ये सब चीजें आप यूजर नेम या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड ये सब चीजें आप कहीं पे भी लिख के नहीं रखेंगे ये तो आप जानते ही होंगे। कई सारे लोग तो यार लास्ट टाइम जो फ्रॉड हुआ था आपको पता ही होगा उन्होंने क्या किया था अपना एटीएम कार्ड जो था एटीएम कार्ड के पीछे ही एटीएम पिन लग दिया था और इसके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था जब उनका एटीएम कार्ड गुम हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है 8वें नंबर टिप के बारे में कि आपको कभी भी कोई भी सीवीवी या तो फिर एटीएम पिन यूजर नेम पासवर्ड जो बैंकिंग का है वो सब कहीं पे भी लिख के नहीं रखना है। दोस्तों 9वें नंबर की टिप में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको हेल्प नहीं लेना है कैश विद्रॉल के लिए या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति का। जैसे कि क्या होता है हम एटीएम में पहली बार जाते हैं तो कहीं पे किसी को भी बोलते हैं यार हमारा पैसा निकालने के लिए हमें हेल्प कर दो हमें नहीं पता कि हमें एटीएम कार्ड यूज कैसे करना है। वैसे ही होता है इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज करना है हमें नहीं पता पासवर्ड आप बता दो। तो ऐसा अगर हम करते हैं किसी के साथ में तो कोई भी अगर आप उनका मन में अगर फोट हो तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। कई सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं जहां पर उनको बताया गया कि आपके पैसे नहीं निकल रहे आप जाइए वो जाते हैं उनके बाद उनका पैसा वहां से विदड्रॉल कर लिया जाता है उनका कार्ड यूज करके सिर्फ उनका कार्ड यूज करके उनके ही एटीएम से पैसे विदड्रॉल किए जाते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें कि कैश विदड्रॉल के टाइम पे सही व्यक्ति से आप हेल्प ले या तो फिर हेल्प ना ले तो बहुत बेहतर होगा इंटरनेट बैंकिंग या तो कैश विदड्रॉल के लिए। 10वां टिप और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर इंटरनेट बैंकिंग आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करते समय ऊपर जो यूआरएल होता है यूआरएल को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे ऐसे फेक वेबसाइट सामने आ जाते हैं जो कॉपी लगेंगे यार लगेगा कि आपका जो भी इंटरनेट का बैंकिंग का जो वेबसाइट है सेम टू सेम वैसे ही देखने को लगते हैं लेकिन वहां पे ये फेक होते हैं वहां पे थोड़ा एक डॉट का अंतर हो गया या तो फिर कुछ भी थोड़ा सा भी अंतर होता है और आप जो लॉगिन करते हो अपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए वो एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होता और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो आप कभी भी इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हो तो ऊपर आप यूआरएल देख लीजिए या तो फिर बुकमार्क्स करके रख लीजिए और बुकमार्क से ही खोलिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 11वां और एक बोनस पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं जैसे कि प्ले स्टोर पे या तो कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं एनी डेस्क वगैरह बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं अगर आपका हैकर कोई भी वहां पे भी उसने भी एनी डेस्क जैसा कोई भी एप्लीकेशन जो स्क्रीन को शेयर करता है वो इंस्टॉल करके रखा है तो आपके फोन में क्या एक्टिविटी हो रहा है क्या आप वहां पे टाइप कर रहे हो वो सब कुछ देख सकता है। तो अगर आप ऐसे कोई ऐप को यूज करते हो तो बहुत सावधानी से यूज कीजिए या तो यूज नहीं कीजिए। तो ये थे कुछ 10 से 11 टिप जो आपको बैंकिंग फ्रॉड से बचा सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है अपने फ्रेंड फैमिली के सबके साथ में शेयर करना है उनको बताना है कि कुछ इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं इस तरह से फ्रॉड से आपको बचकर रहना है। तो होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गाइस।